हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं बिना गैस जलाए और बिना ही चीनी के ये बनाने वाली हूँ बर्फ़ी। टेस्टी हलवाई जैसी बिल्कुल बर्फ़ी है, बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही मज़ेदार। चलिए तो बनाते हैं हम। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक जार ले लेंगे, उसमें हमने डालना है थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम। तो 10-12 काजू ले लें, 10-12 बादाम ले लें और फिर इनका पाउडर बना लें बारीक। ठीक है, तो ये मैंने इसका पाउडर बना लिया है, बारीक सा पाउडर है ये। तो इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो अब हम ले लेते हैं इसी में, ये देखें काफ़ी अच्छा से बन गया है पाउडर। तो अब इसमें हम बिस्किट ले ले रहे हैं, तो आप भी इस तरह के बिस्किट ले लें। ये मारी गोल्ड बिस्किट हैं, इसी तरह के आप भी बिस्किट ले लें। ठीक है, तो इनको हम तोड़कर इसमें हम डाल देते हैं, इसका भी बारीक सा पाउडर बनाएंगे बिस्किट का। तो ये देखें पूरा ही पैकेट मैंने ये डाल दिया है और एकदम बारीक पाउडर बना लेना है। तो ये मैंने बारीक सा पाउडर बना लिया इसका भी, ये देखें। तो इसे भी हम उसी में मिला देते हैं जो हमने बादाम और काजू लिए थे उनमें। अब इसमें हम, ये देखिए बिना चीनी के बना रही हूँ, तो ये मेरे पास रखे हुए थे, इनको बतासे भी बोलते हैं, तो इस तरह के। तो इसकी जगह आप मिश्री डाल सकते हैं, अगर आपके पास मिश्री है वो डाल दें, नहीं तो इससे बना लें। तो इसमें चीनी का यूज नहीं किया है मैंने, मैं इसी बारीक पाउडर बनाऊँगी इसका। तो इसको हम पहले तोड़ लेंगे फिर हम मिक्सी में डालेंगे, क्योंकि ये बड़े हार्ड हैं थोड़े से, नहीं तो मिक्सी ख़राब हो जाएगी। अगर आपके पास ये बतासे हैं तो इनको तोड़ लें और इन्हें फिर डालें मिक्सी में और एकदम बारीक सा पाउडर बना लें। ठीक है, तो अभी इसको हम इसी तरह डालकर और इसके साथ ही हम फ्लेवर के लिए इसमें हरी इलायची डालेंगे और इसका हम बारीक पाउडर बना लेंगे। ये मैंने बना लिया है एकदम बारीक सा पाउडर, बनाकर तैयार हो गया है ये बनकर। तो चलिए अब बनाते हैं। तो ये देखें, ये जो बिस्किट का और बादाम का मिश्रण है उसमें हम इसको डालेंगे 5 से 6 चम्मच चीनी के, और जितना मीठा आपको पसंद हो उस हिसाब से डाल लें। और इसमें हम डालेंगे मिल्क पाउडर, तो हम एक पैकेट मिल्क पाउडर डालेंगे। इस तरह का पैकेट आराम से मार्केट में मिल जाता है, तो अगर खुला है तो 3 से 4 चम्मच आप इसमें मिल्क पाउडर डालें। और हल्का हल्का दूध डालकर, 1 से 2 चम्मच दूध लगेगा, और तो इसको मिलाना है एक साथ, दूध ना डालें नहीं तो ये अच्छे से मिलेगा नहीं और डो नहीं बन पाएगा इसका बढ़िया करके। तो इस तरह से हल्के हल्के से मिलाएं और इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालें। ठीक है, तो बिना गैस जलाए हम बना रहे हैं इसको, बहुत ही फटाफट से ये मिठाई बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है और एकदम हलवाई जैसी बनकर ये तैयार होती है। फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है इसका। तो थोड़ा सा घी ले लेंगे, घी से ये अच्छे से मिक्स करेंगे इसको हम, तो हाथों में जो चिपका हुआ है वो भी छूट जाएगा और पूरा अच्छे से ये डो बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसमें हम कलर के लिए थोड़ा सा हम इसमें फूड कलर डालेंगे, ताकि इसका जो कलर अच्छा सा आ जाए। तो आप जो उन सा भी कलर की मिठाई बनाना चाहते हैं जो, तो उस कलर का आप इसमें फूड कलर डाल दें। मैं यहाँ ऑरेंज कलर डाल रही हूँ, थोड़ा सा इसको अच्छे से मिला देंगे। तो ये देखें ऑरेंज हो गया, तो इसका मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसको हम रख देते हैं एक तरफ, तो अब हम दूसरा मिश्रण बनाकर तैयार करेंगे। तो हमने ये लिया है नारियल का बरूदा, तो इसको हम निकाल लेते हैं इसमें। तो इसमें हम डालेंगे चीनी, तो जैसे कि चीनी अपने हिसाब से डाल लें आप, जिस तरह का मीठा पसंद करते हैं। तो मैं यहाँ इसमें 2 चम्मच भरकर चीनी डालूँगी। ठीक है, अब इसमें हम डालेंगे दूध, जो मिल्क पाउडर था ना वो डालेंगे हम इसमें, एक पैकेट इसमें डालेंगे हम, और थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसका भी हम डो बनाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने एक पैकेट डाल दिया इसमें मिल्क पाउडर। तो इसमें इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे और उसी तरह से बनाकर तैयार करेंगे। तो हल्के हल्के इसमें भी दूध डालकर इसको भी तैयार कर लें उसी तरह से। ठीक है, तो मैं अपने चैनल पे खाने की वीडियो और भी कढ़ाई की, बुनाई की, सिलाई की और भी अलग अलग तरीके की वीडियो मैं डालती हूँ। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जाइएगा, देखिएगा ज़रूर। तो इस तरह से इसे मिला लें, अच्छे से मिला लें इसे भी, धीरे धीरे दूध को डालकर, एक साथ ना डालें
तो ये देखें ये भी इकट्ठा होने लगेगा, तो इस तरह से इकट्ठा कर लें इसे भी, ठीक है। तो आराम से ये भी इकट्ठा हो जाएगा, तो इसका भी डो बनकर तैयार हो जाएगा ये, ठीक है। तो आप मैं यहाँ इन दोनों डो की एक बर्फ़ी बनाने वाली हूँ, डबल कलर की बर्फ़ी, बहुत ही टेस्टी जो खाने में लगेगी और बिना गैस जलाए ये बनकर तैयार हो जाती है। तो 10 मिनट में बहुत ही फटाफट से ये बन जाती है। तो ये देखें ये डो बन गया है, तो इसमें मैं इन्हें जमाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम इसको फैला देंगे हाथों से इस तरह से, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसे पूरे में फैला दिया। तो इसके ऊपर से हम दूसरा कलर जो हमने बनाया है उसको लगा देंगे, ठीक है। देखें अच्छे से एक सा कर लें इसे, ताकि अच्छे तरीके से पूरे में फैल जाए। तो अगर आप बर्फ़ी बनाना चाहते हैं या कोई सा भी शेप आप इस मिठाई से दे सकते हैं। मैं यहाँ पर ये बर्फ़ी बनाऊँगी टेस्टी सी। तो ये देखें अब ये वाला हम मिश्रण लगाएंगे इसके ऊपर से, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा फैलाएंगे और अच्छे से पूरे में कर देंगे। फिर हम इस तरीके से देखें पूरे में हमें फैलाना है इसको अच्छे तरीके से, ठीक है। तो जब सब तरफ हो जाएगा तो हम चम्मच की मदद से इसे पूरा एक सा कर देंगे, ठीक है। पहले हाथों से पूरे में डाल दें, अच्छे तरीके से पूरे में फैला दें। तो ये देखें ये मैंने पूरे डब्बे में कर दिया है। अब मैं इसे चम्मच से पूरा अच्छे से चिकना कर दूंगी, ताकि बढ़िया तरीके से ये पूरे में अच्छे से चिकना हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से कर दें, तो कोनों में अच्छे से कर दें, ताकि एक सा हो जाए सब तरफ से। तो अब मैं इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँगी। चाहे तो जल्दी है तो फ्रीजर में रख दें, नहीं तो फ्रिज में भी आसानी से ये जम जाता है, ठीक है। तो इसको मैं रख देती हूँ लगभग 10 मिनट के लिए फ्रिज में। 10 मिनट के बाद इसे हम निकालेंगे, ठीक है। तो ये देखें 10 मिनट हो गए हैं, ये अच्छे से जम गया है। तो चारों तरफ से हम पहले छुरी की मदद से इस तरह से कर लेंगे, तो ये आसानी से निकल भी जाती है। और हल्के हल्के इसे टैप करेंगे ऊपर से, और ये देखें ये निकल गए। तो ये देखें काफ़ी अच्छे तरीके से ये जम गई है। अब इसकी हम कटिंग कर देते हैं, ये देख सकते हैं आप। दो फ्लेवर की और दो कलर की ये बर्फ़ी बनकर तैयार होती है, और बहुत ही शानदार होती है और बहुत ही मज़ेदार। तो इसके अपने हिसाब से इसकी कटिंग कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इसको हम कट कर देते हैं, तो इस तरीके से हमें कटिंग कर देनी है इसकी, ठीक है। तो शेप अपने हिसाब से दे दें, मैं यहाँ चौकोर चौकोर इसकी कटिंग कर दे रही हूँ, ठीक है। तो ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है बर्फ़ी। तो आप भी फटाफट से बिना गैस जलाए इसे और बिना चीनी के बना सकते हैं, और काफ़ी टेस्टी ये बनने वाली है, और बिल्कुल हलवाई जैसी लगेगी, और टेस्ट तो डबल आएगा इसका। जिस तरह इसका डबल कलर है ना, उसी तरह इसका टेस्ट है। तो अब हम इसको गार्निश कर देते हैं थोड़े से बादाम से। तो अगर आपके पास चांदी का वर्क है तो वो लगा दें, नहीं तो इस तरह से कर दें मेरी तरह गार्निश। तो मैं यहाँ बादाम कट करके डाल देती हूँ इस पर, ये देख सकते हैं आप। काफ़ी जल्दी बनकर ये बर्फ़ी तैयार हो गई है। तो बहुत सारी वीडियो इसी तरह की मेरे चैनल पर डली हुई हैं। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाइएगा ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो देखें ये पूरे मैंने गार्निश कर दिए बादाम से। तो आप चाहें तो इसी में रहने दें, नहीं तो प्लेट में रख लें। तो मैं इसे रख कर दिखा रही हूँ, ये काफ़ी अच्छे बनकर तैयार हो गई है। तो इस तरह से आप इसे रख सकते हैं, ये देखें आप। काफ़ी देखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही है, जितनी देखने में अच्छी है ना उतनी ही खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो एक बार तो ज़रूर से बनाएँ ये बर्फ़ी,
बिना गैस जलाए और बिना ही चीनी के। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर से कर दें, और चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।